धम्मपद गाथा नंबर 21 या गाथा नंबर 2.1, वग दो गाथा नंबर 1, अपमादो वग। इसकी पहली गाथा इस प्रकार है, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चूनो पदं अपमत्ता ने मियंती ये पमत्ता यथा मता। अपमादो अमत पदं, अपमादो का मतलब है ए पमाद वाला, यानी कि जो प्रमाद ना करता हो, जो संयत हो, यानी कि जो राग द्वेष में लिप्त ना हो, उसको बोलते हैं ए प्रमादी या ए पमादो। ए प्रमादी बोलते हैं उसको संस्कृत भाषा में, और पमादो यानी पमादो ए पमादो बोलते हैं उसको पाली भाषा में। अमत पदंग, अमत पदंग का मतलब है, एक होता है मत, मत माने होता है जो नशे में रहे, जो संयमित ना रहे, जो राग द्वेष में लिप्त रहे, उसको बोलते हैं ये बड़ा मत है। मत का मतलब यहाँ मस्त से भी आता है, कह रहा बड़ा मस्त घूम रहा है, यानी बड़ा मत है। और अमत का मतलब है कि जो संयमित हो, राग द्वेष से दूर हो, और जिसने अपने आप को बुराइयों से बचा लिया है, उसको अमत बोलते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो उसको बोलते हैं अमत पदंग, यानी कि उस पद वाला है। पमादो, पमादो का मतलब है जो प्रमाद करने वाला व्यक्ति है, पमादो। पमादो मच्चुनो पदंग, मच्चू का मतलब है यहाँ पे, मच्चू जो बोलते हैं वो है मृत्यु। पाली में जो मच्चू है उसको संस्कृत भाषा में मृत्यु बोलते हैं, यानी जो पमादो है, जो राग द्वेष से लिप्त है, मच्चुनो पदंग का मतलब है कि वो मृत्यु के पद को प्राप्त होता है, वो बड़े दुख में, बहुत परेशानी में और मृत्यु के समान पद में रहता है। अपमत्ता ने मियंती, अपमत्ता का मतलब है ए पमाद वाला गुण हो गया, यानी जिसमें ए प्रमाद का गुण हो, जिसमें राग द्वेष से युक्त ना रहने का गुण है। अमत्ता ने मियंती, यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रमाद नहीं करता, ने माने नहीं और मियंती माने मरता है, ऐसा व्यक्ति नहीं मरता है। ये पमत्ता यथा मता, ये माने जो, पमत्ता माने जो प्रमाद में रहने वाला है, यथा माने जैसे, और मता माने मृत के समान या बिल्कुल जो असंयमित होता है उसके समान वो होता है। ये पहली गाथा है, इस गाथा की 2.1 यानी किस्मी, उसका ये गाथा का सार है। एक बार मैं हिंदी में आपको फिर बता देता हूँ। अपमादो अमत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग, यानी कि जो अप्रमाद में रहता है, जो राग द्वेष से दूर रहता है, वो अमृत पद यानी कि जो निर्माण पद होता है, एक तरह से जो उच्चतम पद होता है साधना का, उसको प्राप्त करता है। और जो प्रमादी होता है उसको लगभग मत प्रद यानी मृत्यु के समान वो पद उसे मिलता है। और जो अप्रमाद वाले लोग हैं वो कभी नहीं मरते, और जो प्रमाद वाले व्यक्ति हैं, जो राग द्वेष रहते हैं, वो तो समझो जैसे जिए ही नहीं है, वो तो मरे के समान ही रहते हैं। यानी कि जो राग द्वेष में व्यक्ति रहता है, जो प्रमाद में रहता है, वो लगभग मरे के समान होता है। और जो राग द्वेष में लिप्त नहीं रहता है, वो अमृत पद यानी निर्माण पद, निब्बान पद के साथ में लगभग रहता है। धन्यवाद।